गुड मॉर्निंग, आप सभी के एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रिजल्ट है, ठीक है, मतलब 10th और 12th का जो रिजल्ट है उसके विषय में, कुछ जो जितने भी डाउट्स है सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चे ने बहुत सारा चीज पूछे थे, क्या पूछे थे, कुछ कुछ सवाल लेते, जैसे फर्स्ट है सर एक्स वाले स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, दूसरा कि ये जो 9th या 11th में जो हम लोग एग्जाम दिए थे, 9th या 11th में एग्जाम दिए थे उसमें जो प्रैक्टिकल था, तो क्या उस प्रैक्टिकल का मार्क्स को, मतलब उस प्रैक्टिकल का मार्क्स सहित उसका 70-80% निकाला जाएगा जिसको छोड़ दिया जाएगा, या अब कैसे कैलकुलेट किया, तो बहुत सारे बच्चे को वो वाला चीज समझ में नहीं आया, तो आज एक कॉमर्स वाला का कैलकुलेट करके दिखा देंगे किस टाइप से उसको कैलकुलेट करना है। तो और बहुत सारे बच्चे का ये भी पूछना था कि हम लोग तो 11th में इतना अच्छा से तैयारी करके नहीं दिए थे, क्योंकि मेरा फोकस जो था वो 12th में था, ये 10th में था, इसके चलते मेरा उतना अच्छा से नहीं गया था। ये बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम है, मैक्सिमम बच्चे की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आपको बताना चाहते। देखो ये साफ हो चुका आप लोग का कि रिजल्ट जो बनेगा 9th और 11th के बेसिस में, उसमें से ये अगर जिस पे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उस सब्जेक्ट का अगर मार्क्स देखेंगे तो उसका 70 प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका 8, मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें प्रैक्टिकल नहीं रहता तो 11th का आपको 80% मार्क्स, या 10th वाला लोग जो है उसका 9th का 80% मार्क्स, प्लस 20% मार्क्स जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट का मतलब उसमें क्या देखा जाएगा, मेनली उसमें फोकस किया जाएगा अटेंडेंस को, अटेंडेंस प्लस स्कूल परफॉर्मेंस या जो भी असाइनमेंट वगैरह जमा करने बोले तो उस सब दिखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर बहुत सारे बच्चे ये बोले तो हम लोग स्कूल का परफॉर्मेंस देने का चांस नहीं मिला, हम लोग कभी दिए ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपका अटेंडेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आप उसके बेसिस में आपको मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है, या अगर स्कूल कॉलेज में कभी टेस्ट हुआ था तो उस टेस्ट के बेसिस में, बहुत सारा जगबोर्ड में ऐसे जगह जहाँ पर एक भी टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए मतलब इसमें जो जिसमें हम लोग बोल सकते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अटेंडेंस है। और अटेंडेंस का जब कोरोना खुलने के बाद, कोरोना के मतलब कोरोना के बाद जो स्कूल कॉलेज खुला था उस टाइम जितना हुआ था उस टाइप से, अगर उसको उस टाइप कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं हो पाया था तो प्रीवियस वाला। बहुत सारे बच्चे को ये बोलना सर हम लोग प्रैक्टिकल कम्प्लीट नहीं होते, प्रैक्टिकल सभी कॉलेज स्कूल अपना हिसाब से वो ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से वो प्रैक्टिकल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए एक बच्चा का पहले हम कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर एक्स वाला का क्या होगा, एक्स रेगुलर जिसका कंपार्टमेंट ये जो इम्प्रूवमेंट दे रहा था वो लोग का क्या होगा, सारे बात बताते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पर एक बच्चे का हम यहाँ पर रिजल्ट निकाल के दिखा देते हैं, एक आर्ट्स वाला या कॉमर्स वाला का लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड आपको थोड़ा सा देखिए लीजिए कुछ रिजल्ट, ये देखने लीजिए किसी का रिजल्ट हमको मिल गया, बस रिजल्ट किसी का रिजल्ट मुझे मिल नहीं रहा, 11th का रिजल्ट। ये तो साइंस का, साइंस ऑलरेडी बता चुके हैं, साइंस शॉर्ट कुछ मिलेगा तो ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो चलिए ठीक है, एक बच्चा का रिजल्ट मिल चुका है, उसको रिजल्ट हम दिखा देते हैं। जैसे इसका नाम है अभिषेक उराव, अभिषेक अभिषेक उराव, ठीक। इस बच्चे का रिजल्ट देखते हैं, देखिए इसका ये जो है इसका रिजल्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसी के बारे में बता देते थोड़ा सा। अभिषेक उराव थोड़ा कैमरा सेट कर लेते, चलिए सेट। जिसमें ये जो था ये आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, इसका सब्जेक्ट था इंग्लिश। अब लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, पूरा अच्छा समझिए, ठीक है। 28 लाया इंग्लिश में, हिंदी में लाया बच्चा ने 42, बहुत अच्छा मार्क्स लाया था। पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में लाया था बच्चा 40 लाया है। उसके बाद देखेंगे तो हिस्ट्री, हिस्ट्री में लाया है 40, और लास्ट में देखेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में लाया था बच्चे ने 41। ये इतना सारा इसका पेपर था, सभी ने लाया था। अब हम लोग जानते हैं इसमें ये जो स्टूडेंट है इसका शायद किसी भी पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है,
सभी पेपर प्रैक्टिकल फ्री है, इसमें एक भी प्रैक्टिकल नहीं था। तो जब जिस देखो ये जो मार्क्स है ये 50 मार्क्स के बेसिस में है, मतलब ये 50 मार्क्स जो है उस 50 मार्क्स के हिसाब से ये जो निकाला गया ये सारा चीजें। अब देखो जैसे 50 के हिसाब से था 28, ये 50 के अकॉर्डिंग 28 है ना, इसको हम लोग 100 के बेसिस में निकालते हैं। 100 के हिसाब से कितना हो जाएगा इसका डबल 56, ये 84, ये 80, ये 80 और ये 82, इतना हो जाएगा। अब देखो हमको क्या बोला था, जिस पेपर में प्रैक्टिकल नहीं रहेगा उसका आप 80% निकालिए, उसका 80% आपका ये एग्जाम का, और क्या होगा जो 20% वो इंटरनल असेसमेंट से होगा, ठीक है, इसका 80% निकालते हैं। तो 56 × 80% इसका 80% निकालते हैं। 80% निकालने के लिए 80/100 67.2 इसका निकालेंगे 80 × 80/100 ये 64 होगा, 80 का निकालेंगे तो 80/100 ये भी 64 और ये 82 का 80/100 65। तो टोटल ये हो गया हमारा थ्योरी का मार्क्स, ठीक है। ये जो थ्योरी मार्क्स होता है ना, तो थ्योरी मार्क्स आप बहुत सारे बच्चे पूछना है सर थ्योरी मार्क्स में हमको पासिंग मार्क्स कितना, बहुत सारे बच्चे बहुत कम कम नंबर आया तो हम पास कर रहे हैं कि नहीं ये भी जानना, तो थ्योरी मार्क्स में आपको पास करना है। तो देखो 80 में 80 पर देखो ये कुछ ये जो आया ना ये 80 के हिसाब से आया, मतलब 80% के हिसाब से, 100% नहीं। तो 80 ये जो आया इसका 33 मार्क्स आपको पास होता है, ठीक है। इसका जो 80 ये टोटल हम लोग निकाले ना, तो 80% इसका जो अगर पासिंग मार्क्स देखेंगे जिसमें प्रैक्टिकल नहीं था, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसका अगर पासिंग मार्क्स देखेंगे, यानी हम लोग देखेंगे 80% ना, 80 मार्क्स का 33%। इसका अगर पासिंग मार्क्स हम लोग देखेंगे तो इसका हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा ये 26.5 लगभग 4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पासिंग मार्क्स जिसमें प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, जिसमें प्रैक्टिकल रहेगा उसमें 23 मार्क्स, हम लोग जानते ही 23 मार्क्स में पास होता, इसमें लगभग रखिए ना 26.5 मतलब 27 मान के चलिए, इससे अगर किसी कम आ रहा तो उन लोगों को फेल हो जाएगा। उसमें बोला भी अगर किसी का रिजल्ट फेल होता, देखो जैसे 36 घंटे में रिजल्ट दिया तो उसका 100% पास नहीं, एक दो बच्चे फेल है। ऐसा मत सोचना कि हम 11 में पास किए तो मतलब 12 में भी पास ही है, कोई कोई एक मतलब ऐसे मतलब 99% बच्चा पास हो जाएगा, बहुत कम बच्चा ऐसा होगा जिसका रिजल्ट उस टाइप से था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें क्या था, इसमें प्रैक्टिकल नहीं था, मतलब इसके प्रैक्टिकल नहीं था, तो इंटरनल असेसमेंट से 20 मार्क्स होने वाला, तो 20 मार्क्स में बहुत सारे स्कूल कितना देता, कोई देता 15, कोई देता 18, कोई देता 19, कोई देता 19, कोई 20 भी देता, ठीक है। तो उसको हम लोग एक आधार मान के चलते है कि उसमें हम लोग 17 ले लेते, ठीक है, इससे पहले भी 17 लिए थे, इसमें हम लोग 17 ले लिए, प्लस 17। बहुत किसी को पूछना 17 क्यों लिए, ये प्रैक्टिकल में आपको डिपेंड करेगा स्कूल कितना दे रहा, तो मैंने एक एवरेज लेके चल रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी में 2 मार्क्स ज्यादा आया, किसी के 2 मार्क्स कम आया, बट एवरेज होने वाला, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मतलब किसी में 5 मार्क्स ज्यादा हो गया, किसी में 5 मार्क्स कम हो गया, मतलब परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं घटने पड़ने वाला। हम बोले तो मैक्सिमम 5% ऊपर जा सकते हैं, 5% नीचे, उससे ज्यादा नहीं। इसको ऐड करेंगे इतना हो जाएगा 81 5 6 61, ऐड करो 0.2 4 कैरी 1 81 6 7 8 81 ये भी 81 हो जाएगा ये दैट्स 5 7 2 कैरी 1 7 8 ये हो जाएगा 0.61 2 4 5 6 7 8 8 हो गया कैरी फ्री कुछ नहीं है 30। इससे ज्यादा होना चाहिए, कहीं ना कहीं गलती की है, कैरी 1 2 6 7 8 9 10, अच्छा 2 6 7 8 9 10 0 कैरी 1 32, अच्छा 32 32 38 39
ठीक है, ये मार्क्स आ रहा, अगर ये परसेंटेज निकालना चाहता है तो 390.6 का परसेंटेज निकालना चाहते हैं, कैसे परसेंटेज निकालेंगे तो 100/5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, लगभग 80% नहीं आ रहा, 2% कम हो जाएगा इसका 78 point something, ठीक है 78 point something हो जाएगा लगभग, रखिए ना इसका 70, इसका जो रिजल्ट बनेगा फाइनल रिजल्ट देख लेना इस बच्चा का, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका लगभग 75 से 82.3 तक ही रहेगा, ये एवरेज रहेगा। और सबका बता देते इस बार एवरेज मार्किंग होने वाला, ठीक है क्या होगा, सबका जो जाएगा वो 60 से 70% के बीच में ज्यादा बच्चे का मार्क्स आएगा, 60 से 70% के बच्चे का ज्यादा, तो मैक्सिमम मार्क्स इसी के बीच में रहेगा, कुछ बच्चे का रहेगा 70 to 80, ये चांसेस बहुत कम है, जैसे 20% बच्चे का इतना रिजल्ट हो गया, और बाकी बहुत सारा बच्चा कम बच्चा होगा जो 50 to 60 बच्चा होगा, ठीक है 50 to 60 आने वाला लगभग 20% के आसपास जाएगा, और ये 50% होगा, ठीक है 10% इधर उधर होगा, मतलब तो मैक्सिमम ये रिजल्ट होगा, ये सब होने के चांसेस, हम ये नहीं बोल रहे कि कंफर्म है, बट चांसेस है इस टाइप से होने का। चलिए अब बहुत सारे बच्चे को पूछना था सर एक्स रेगुलर वाला लोग का क्या होगा, जो लोग एक्स वाला स्टूडेंट है वो लोग का भी इसी मेथड से निकाला जाएगा, आपका 11 का जो रिजल्ट था उसी बेसिस में आपको यहाँ पर 12 का मार्क्स मिलेगा। और एक बच्चा को पूछना था सर अगर हम इम्प्रूवमेंट दे रहे थे तो मेरा क्या होगा, आपका भी इसी टाइप से निकाला जाएगा, जिस इम्प्रूवमेंट हो सकता है एक सब्जेक्ट में दे रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही आपको इम्प्रूवमेंट के लिए होगा। अच्छा कोई बच्चा बोले सर ये मार्क्स हमको लग रहा है कि हम इलेवेंथ में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन हमको ट्वेल्थ में लग रहा कि हम उससे अच्छा दे सकते थे, उससे अच्छा कर सकते हैं, ठीक है तो देखो उस बच्चे के लिए भी जैक बोर्ड ने यह बात क्लियर कर दिया सीबीएसई के हिसाब से ही कि जिस बच्चे को इसमें या तो फेल हो जाते हैं या तो उसका अपना मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको लगता है कि मैं उससे और ज्यादा ला सकता हूं, तो वो बच्चे लोग को मेरा मानना है, मेरे हिसाब से हमको बोलना है कि आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है आपको एग्जाम लिखने का मौका मिलेगा, आपको अगर अच्छा तैयारी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छा था, ठीक है तो पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ते रहिए आपको मौका मिलेगा, अगर आप 70% में सेटिस्फेक्शन नहीं है ना तो आपको एग्जाम लिखने को मिलेगा, अगर 100% आप एग्जाम लिखिए छोड़िए मत, अगर आपको तैयारी बहुत अच्छा आप 60% 70% आया आपका, आपको लग रहा है कि इससे हम अच्छा ला सकते हैं, तो बहुत सारे बच्चे मेरे ट्यूशन से ऐसे बच्चे थे, हम उन सभी को बोल लेंगे कि आप लोग को रिजल्ट आने के बाद तुम लोग एग्जाम लिखो, क्योंकि पता है कि बोला बच्चा हमको बहुत सारे बच्चे लगता हमको 80% के लायक है, हम 80 ला सकते हैं, आप लोग बिल्कुल 100% एग्जाम का तैयारी करते रहिए, थोड़ा बहुत पूरा मत ध्यान दीजिए बट थोड़ा बहुत देते रहिए, एग्जाम लिखने का आपको मौका मिलेगा, तो एग्जाम आप बिल्कुल लिखिए, ठीक है उसमें आप मार्क्स लाइए। हाँ ये होता जिसमें टेंथ वाला लोग पूछना सर हम लोग को कैसे निकाला जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए आ जाएगा टेंथ कैसे निकालेंगे। फिर बहुत सारे बच्चे का सवाल था कि ये जो मार्क्स है ये मार्क्स तो हम लोग इसमें भी तो 10% प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ है, 40 का एग्जाम हुआ था 10 का प्रैक्टिकल, तो क्या ये प्रैक्टिकल को छोड़ के कैलकुलेट करेगा, क्या प्रैक्टिकल छोड़ के कैलकुलेट करेगा, ये सवाल है, बहुत सारे यूट्यूब वाला बोल भी रहा, मुझे इससे पहले वीडियो में इतना कमेंट आया था इसी विषय में कि ये जो प्रैक्टिकल का मार्क्स 10 है इसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है इसको छोड़ के इसको कैलकुलेट, ये जो 28 था इसमें आपको प्रैक्टिकल भी 10 मार्क्स था। अच्छा ठीक है, आप सब पूछना चाहते हैं जो YouTube वाला बच्चे लोग भी इस टाइप से बोल रहे हैं, आप देखिए कोई भी आदमी बोलेगा ना आप ऐसे आंख बंद करके उसके बातों पर विश्वास मत कीजिए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अगर वो बात बोल रहे कोई भी बात बता रहे ना तो उसके पीछे लॉजिक क्या दे रहे, उसके पीछे मतलब तर्क क्या है, उनका क्या कारण है, किस बेसिस में बोल रहे कि ये प्रैक्टिकल हटा देगा, प्रैक्टिकल का मार्क्स को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, तो इसके पीछे लॉजिक भी अगर कोई बता रहे ना तो उस बात में विश्वास कीजिए, उस चैनल से आप जुड़िए, अगर जिसमें कुछ भी नहीं भाई झूठ मूठ का बोल दे ऐसा ऐसा होगा, भाई ऐसा होगा तो क्यों होगा बताइए ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं, देखो ऐसा होने का जो चांसेस है वो 99% चांस है, ठीक है हम 100% देखो भाई हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, जो एनालिसिस है जो हम ऊपर में जाके एनालाइज किए बहुत सारे टीचर्स के साथ डिस्कस किए उसके हिसाब से बता रहे, 99% चांस है कि ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स है उसको नहीं हटाएगा, ये आपके 11th इसी से बनेगा, इसी टाइप से बनेगा, ठीक है उससे प्रैक्टिकल वगैरह का मार्क्स नहीं हटाएगा। आप बहुत कोई बच्चे पूछोगे सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आपके पीछे क्या लॉजिक है, देखिए हम लॉजिक में भी आते हैं, देखो अगर आपको कोई बताएगा पूछेगा तो आपको टेंथ, देखो इसमें बोला क्या था
इलेवेंथ के मार्क्स के हिसाब से ट्वेल्थ का मार्क्स, इलेवेंथ के मार्क्स के अकॉर्डिंग ट्वेल्थ का मार्क्स बनेगा। भाई इलेवेंथ का मार्क्स का मतलब क्या होता है आप उनको बताओ, इलेवेंथ का मार्क्स का मीनिंग क्या है अब पूछो ना, थोड़ा अपने आप को पूछो इलेवेंथ का मार्क्स का मीनिंग क्या। अब इलेवेंथ का मार्क्स आपको कोई पूछेगा इसका, जैसे बोलो बच्चा का हो जाएगा शायद ऐड करेंगे इसको 199, तो इलेवेंथ का मार्क्स ये 199 बोलेगा कि इसमें पांच सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल छोड़ के बोलेगा। आपका जो सब्जेक्ट जो आपको मार्क्सिट मिलेगा उसको ना बोलिएगा, आप उसमें प्रैक्टिकल को माइनस करने जाएंगे क्या। आपको टेंथ का मार्क्स मान लो किसी का आया 440, तो 440 में आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल का मार्क्स था इधर उधर था, तो कोई उसको छोड़ के बोलेगा क्या प्रैक्टिकल का मुझे इतना था नहीं, इतना नहीं आया, इतना कम आया, इसको छोड़ देंगे और वो वाला मेरा मार्क्स वो अपना मेहनत से लाए हैं। बहुत सारे बोले उसको हम एग्जाम लिख के लाए थे, अच्छा उसको एग्जाम लिख के लाए थे और ये जो इंटरनल असेसमेंट से 10 मार्क्स मिला तो ये बिना मेहनत का मिला। अब कॉलेज गए होंगे उतना दिन, उतना मेहनत किए, जो असाइनमेंट था असाइनमेंट जमा किया था, एग्जाम था तो एग्जाम दिए थे तब ना मिला, वो आपको बिना मेहनत का मिला क्या, वो आपका मार्क्स नहीं है, वो भी आपके आप ही का मार्क्स है। तो ये जो 28 है वो आपके द्वारा ऑब्टेन किया गया मार्क्स है, ये प्रैक्टिकल वाला भी अच्छा ऐसा बात है। उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन है, तो सर यहाँ पर 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल फिर यहाँ पर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, तो हमको दो दो प्रैक्टिकल हो रहा है। भाई वो प्रैक्टिकल जो 10 मार्क्स का हम लोग दिए थे वो अभी नहीं, वो पुराना मतलब प्रीवियस क्लास में 11th में दिए, तो वो हम लोग 12th में नहीं दिए, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाइए, ये प्रैक्टिकल जो था या जो भी है 11th का मार्क्स मतलब आपका हो जाता 191, ऐसा नहीं इसको प्रैक्टिकल को छोड़ देंगे। और ये प्रैक्टिकल दोनों अलग है, वो आप वहां पर मेहनत करके लाए थे उसके हिसाब से था, ये अलग हो गया, तो दोनों आपका दो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, एक ही प्रैक्टिकल सोचिए, ये तो मार्क्स हो गया, ये 11th का मार्क्स हो गया और ये आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल बोलिए, इंटरनल असेसमेंट बोलिए। तो आपको बिल्कुल एकदम हम सब कुछ समझा दी, शायद नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको बिल्कुल बता देंगे नेक्स्ट वीडियो और बता देंगे। तो ये जो होता है ये 99% मेरा चांस से मेरा बोलने का मतलब है, जहां तक मुझे एनालाइज करके, हम इससे कुछ नहीं बताते, पूरा एनालाइज कर ले तो उसके बाद ही बताते, ठीक है। जैसे आप लोग देखे थे जिस दिन रिजल्ट पब्लिक होने वाला था उस दिन यूट्यूब में सबसे पहले दिए थे, सभी बच्चों ने दिया, ये जो लॉजिक दिए थे ये लॉजिक हम ही ने पहले दिए थे, जितने यूट्यूब चैनल देखे उसके बाद सबको कैलकुलेट करके बहुत सारे चैनल ने बहुत सारे चीज दिए है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद जो आएगा आपको क्या करना आगे, क्या करियर ऑप्शन है आपको, क्या किसमें फायदा है, क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें 10th वाला बताएंगे, फिर और एक वीडियो आज क्या है, आज का न्यूज क्या है, जैक बोर्ड क्या डिसीजन मतलब क्या आज स्टेप लिया उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये समझ चुके हैं कि इसमें आप ये बिल्कुल मत हटा, इसका प्रैक्टिकल हटेगा, ये प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका मार्क्स है, ये आपका मेहनत का मार्क्स है, प्रैक्टिकल भी आपको फ्री पकड़ कर नहीं मिला था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए थोड़ा, उसमें आपको क्या करियर ऑप्शन है और आज का क्या न्यूज है उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो लोग सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए, शेयर करना ना भूलिए।